आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका आया है। सरकार ने सरकारी गोल्ड बॉन्ड की इस वित्त वर्ष की पहली सीरीज को 20 जून से खोल दिया है। यह सीरीज सोमवार से 5 दिनों के लिए खुली रहेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस सीरीज के लिए इश्यू प्राइस 5091 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। वहीं ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन और भुगतान करने के लिए निवेशकों के लिए इशू प्राइस 50 रुपए प्रति ग्राम कम होगी। इस तरह के निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की इशू प्राइस 5041 रुपए प्रति ग्राम है। इसके बाद गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज 22 से 26 अगस्त के दौरान खुलेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक यानी RBI भारत सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवार, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचा जा सकता है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 12,991 करोड़ रुपए मूल्य के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 10 किश्तों में जारी किए गए थे। गोल्ड बॉन्ड में सब्सक्रिप्शन की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, अविभाजित हिंदू परिवार के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों व समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम है। सोने की भौतिक मांग को कम करने के इरादे से सबसे पहले गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में लाई गई थी। जो निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का सोच रहे हैं, उन्हें सारा निवेश इसी सीरीज में करने के बजाय आधा आधा करके दोनों सीरीज में गोल्ड बॉन्ड सब्सक्राइब करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में सोने की कीमतों को लेकर अनिश्चितता के चलते निवेशकों को यह रणनीति अपनानी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को इस समय सोने में निवेश को अपने कुल पोर्टफोलियो के 10% तक ही सीमित रखना चाहिए। सोने में रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 7.37% का उछाल आया है। वहीं डॉलर के संदर्भ में यह उछाल 4.17% है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर है और फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य से ऊपर। महंगाई पर काबू पाने के लिए हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की भारी बढ़ोतरी की है। फंड मैनेजरों को आने वाले समय में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। उच्च ब्याज दरों से सोने की कीमतों में कमजोरी आ सकती है। पिछले कुछ महीनों में सोने की वैश्विक कीमत $1979 प्रति औंस से गिरकर $1848 प्रति औंस हो गई है। सोने की कीमतें अगले कुछ महीनों तक रेंज बाउंड रह सकती हैं, क्योंकि निवेशक इकोनॉमिक ग्रोथ पर फेड की पॉलिसी के प्रभाव का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं हालांकि महंगाई का दबाव होने से सोने की कीमतों के लिए अनुकूल है। महंगाई लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है और यह सोने की कीमतों के लिए अच्छा भी है। ऐसे में एक फैक्टर आने वाले समय में सोने में गिरावट का संकेत दे रहा है तो दूसरा सोने की कीमतों के अनुकूल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्थिति में सोने में एक साथ बड़े निवेश से बचना चाहिए। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। निवेशक अभी की और अगस्त में आने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज में 2 टुकड़ों में पैसा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।